मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ थाना क्षेत्र में एक भतीजे ने अपनी ही काकी पर डायन होने की शंका के चलते उसे गोली मार दी। गनीमत ये रही कि महिला को केवल छर्रे ही लगे जिससे वो घायल हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक परेश की मां अक्सर बीमार रहा करती है और उसे शंका हुई कि उसकी काकी उस पर जादू टोना करती है, जिसके चलते परेश की मां बीमार रहती है, जिसके बाद परेश ने मौका देख खेत में काम कर रही अपनी काकी को गोली मार दी। घायल महिला को गुजरात राज्य के बोड़ेली में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जहाँ महिला खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देख आरोपी की तलाश कर रही है। गुरुवार देर शाम को आरोपी परेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अलीराजपुर जिले में अंधविश्वास के चलते कई बार बड़ी घटनाएं होती रहती है, जिसके लिए अलीराजपुर पुलिस ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए अभियान चलाएगी। असल में एक परेश नाम का लड़का था, जिसकी मदर हमेशा बीमार रहा करती थी, सर्दी बुखार जुकाम जो भी यहाँ पे बीमारियाँ छोटी मोटी होती है। उस लड़के को इस बात का संदेह था कि मेरी जो काकी है ईडी भाई, वो उसको जादू टोना या करती होगी, जिस कारण से बीमार रहती है। उस लड़के को इस भ्रम था, अंधविश्वास था, जिसके चलते अपने काकी को बुलाया, उसको बोला कि तुम्हारा बेटा मोबाइल पे बात करना चाहता है। उसको मोबाइल दिया, बात करवा रहा था, और इस आशय का विश्वास होने के कारण किसी के जादू टोना से हमारे मदर बीमार रहती है, उसने इसे पीछे से 12 बुरे कट्टे से फायर किया, जिससे वो महिला घायल हो गई। महिला का तो तत्काल इलाज के लिए भेजा गया और 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर हम लोग योजना में लिए और आज आरोपी परेश को गिरफ्तार भी कर लिया गया।